द पार्ट विच वॉज रिमेनिंग ऑफ द स्टोरी. मैं आपको पैराग्राफ इंग्लिश में रीड करूँगी, फिर उसका पूरा मीनिंग आपको हिंदी में एक एक वर्ड अच्छे से समझाऊंगी. तो प्लीज़ बच्चों प्यार से मेरी बात को सुनना, समझना और ध्यान देना. इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट. ओके चलो. ओ इट रियली लुक्स लाइक ए बलून. ये वर्ड्स मोहिनी ने बोला दादी को. दादी देखो ये तो बिल्कुल बलून की तरह दिख रहा है. मोहिनी ने क्लैप किया, जॉय ने उसे ताली बजाई खुशी से कि दादी देखो तो ये तो बिल्कुल बलून की तरह दिख रहा है. मोहिनी ड्रू मैनी सर्कल. मोहिनी ने बहुत सारे सर्कल बनाए ताकि वो बहुत सारे बलून बना सके, और उसे बिग सर्कल्स एंड स्मॉल सर्कल्स बनाए. एंड शी एडेड हिम कलर. उसमें बहुत सारे कलर डाले, रेड ब्लू ग्रीन येलो सर्कल्स. ओके तो मोहिनी ने क्या किया. मैनी का मतलब क्या होता है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ. मैनी यानी बहुत सारे उसने बलून बनाए. ओके मैनी यानी बहुत सारे, वन यानी सिर्फ एक, पर मैनी की हम बात करते हैं तो उसने बहुत सारे बलून बनाए और उन बलून्स को उसने कलर किया. कलर में उसने शी लाइक वॉट एवर कलर, रेड ब्लू ग्रीन येलो सर्कल्स को सबको उसने बलून से कलर किया. और उसने सब एक नॉट बांध के उसने करा, फिर उसने दादी को बताया कि देखो दादी मैंने तो कितने सारे कलरफुल बलून बनाए. और बलून बनाने के बाद उसने क्या किया, उसने जिग जैग लाइन ड्रॉ करी. जिग जैग मीन्स शेड्यूल लाइन ड्रॉ. ऐसे उसने जिग जैग लाइन ड्रॉ करी. ओके तो उसको और एकदम अट्रैक्टिव बनाने की उसने कोशिश की. तो दादी ने बोला या इट्स वेरी गुड दैट यू हैव मेड इट. और इस तरह से उसने पूरा अपना दादी को शो करके बनाया. ओके अगेन आई एम रीडिंग विद द पैराग्राफ, सो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. ओ इट रियली लुक्स लाइक ए बलून. ये बलून की तरह लग रहा है. ये किसने वर्ड बोले, मोहिनी ने बोला और क्लैप किया विद जॉय, खुशी से बना दी है. और उसने जॉय खुशी से क्लैप किया, ताली बजाई. मोहिनी ने बहुत सारे सर्कल्स बनाए, कुछ छोटे बनाए सर्कल्स, कुछ बड़े सर्कल्स बनाए, फिर उस सर्कल्स को उसने कलर किया. एंड शी एडेड जिगजैग लाइंस टू देम. सारे में उन्होंने जिगजैग लाइंस ड्रॉ कर दी, फिर एक नॉट बांधा, डोरी लटका के उस तरह से उसने बहुत सारे कर दिए. अब हम ये हार्ड वर्ड्स पढ़ेंगे. क्लैप में आपको साइड हो जाता है जिसका बर्थडे होता है स्कूल में, तो यू क्लैप. जी वाई जॉय. जॉय मीन्स